नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपको एक ऐसी व्हाट्सएप की खुफिया ट्रिक बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद दोस्तों आप किसी के भी नंबर से, किसी के भी व्हाट्सएप से उसकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, जब से उसका व्हाट्सएप अकाउंट खुला है तब से उसने किस किस को मैसेज किया है, किस किस नंबर से मैसेज किया है, आप सब कुछ पता लगा सकते हो। जी हां दोस्तों, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी जन्म कुंडली निकाल दी गई है। जी हां दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ठीक है। तो ये सब कैसे करना है, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, तो जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस बेल आइकन को भी दबा देना है। इतना करने के बाद आपको नीचे कमेंट में जाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है व्हाट्सएप ट्रिक। इतना लिखने के बाद आपको सेंड कर देना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी व्हाट्सएप की जन्म कुंडली कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी के भी व्हाट्सएप की जन्म कुंडली कैसे निकाल सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि उसने आज तक कितने कितने लोगों को मैसेज किया है, किस किस नंबर पर किया है, सब कुछ आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना होगा, किसी का भी व्हाट्सएप आप एक मिनट के लिए ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ मेरे दूसरे वाले मोबाइल में कि आपको फिर क्या करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेरा दूसरा अकाउंट है। तो इसमें बाद आपको अकाउंट में जाना है और जैसे आप अकाउंट में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, तो इस पर क्लिक कर देना है और रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है, सेंड कर देना है। तो जैसे आप करोगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि दोस्तों 48 घंटे बाद आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इतना करने के बाद आपको ये मोबाइल उसको वापस कर देना है। तो 48 घंटे का आपको वेट करना है, उसके बाद उसका मोबाइल वापस लेना है और फिर आपको बता देता हूँ क्या करना है। फिर आपको जैसे मैंने इस वाले नंबर पर मैंने भेज रखा है, 48 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड के लिए आपको कुछ फाइल दे दी जाएगी, तो इसे डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोडिंग हो रही है दोस्तों, बहुत छोटी सी है। फिर आपको क्या करना है, यहां से आपको दोस्तों आप देख सकते हैं, फिर आप इसे सेंड कर सकते हैं, कहीं से भी आप सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जो आपकी इच्छा है उस पर आप सेंड करके इसे आप वापस यहां से डिलीट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे ओपन कर देता हूं। तो दोस्तों ये जिप फाइल है, तो ये एक्सपोर्ट कर देता हूं मैं इसे। तो ये अपने किसी भी कहीं पे भी आप इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको किसी भी अपने एक किसी भी फोल्डर में चले जाना है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक चुन लेता हूँ, जैसे मैंने एक सेंडर चुना है, यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हो रही है एक्सचेंजिंग, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो ये हो चुकी है, ये HTML फाइल है। तो दोस्तों इसमें आपको जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस में करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मोर पे जाना है और यहाँ पे HTML व्यूअर पे चले जाना है। तो जैसे इसे ओपन करूँगा, मैं अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी की पूरी आपको टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी कितने टाइम के लिए ऑफलाइन, जो भी है पूरा का पूरा आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी अगर हो तो वो भी आ जाएगी आपकी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी और यहाँ पे ये जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हैं और कौन कौन से कॉन्टेक्ट हैं। तो मैंने इस वाले नंबर पर पूरी की पूरी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ इस तरीके से आप किसी की भी पूरी पूरी डिटेल जन्म कुंडली जान सकते हो। तो दोस्तों है ना कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में।